Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया है क्या तुम लोगों ने? कितने लोगों ने किया है? कैन यू रेज योर हैंड्स? टेस्ट अटेम्प्ट किया है कितने लोगों ने? ज्यादा लोगों ने किया नहीं है, कुछ 10-12 लोगों ने किया है। ठीक है, आंसर की और सॉल्यूशन तो मैंने सेंड कर ही दिए थे। ठीक है, डिस्कस करना है आज या नेक्स्ट टाइम डिस्कस करें? सर नेक्स्ट टाइम प्लीज। नेक्स्ट टाइम पक्का? नेक्स्ट टाइम तक कर लोगे? हाँ सर। यस सर। ठीक है। ऑर्गेनोलेड कंपाउंड्स, अनीशा यू आर आस्किंग अबाउट ऑर्गेनोलेड कंपाउंड्स। वी हैव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स विच हैव कार्बन मेटल बॉन्ड। ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड्स, मेटालिक कंपाउंड्स में भी ऑर्गेनोलेड कंपाउंड्स में भी ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स, ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड्स, फॉर डिफरेंट मेटल्स विल गेट डिफरेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटल ऑर्गेनोलेड कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स इन विच वी हैव अ कार्बन लेड बॉन्ड। वन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ एन ऑर्गेनोलेड कंपाउंड इज अ टेट्राइथाइल लेड, जनरली टेट्राअल्काइल लेड्स वेर अर्लियर यूज्ड एज मिक्स्ड विद पेट्रोल टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, गैसोलिन या पेट्रोल के साथ मिक्स करते थे। टेट्राइथाइल लेड वेर यूज एज एंटी नॉकिंग एजेंट्स। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद एस ब्लॉक, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं हम टेस्ट जो सेंड किया था मैंने। लेट्स कंटिन्यू विद एस ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में वी वर डिस्कसिंग जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। ठीक है, वो कंटिन्यू करके देन विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अब। वरद क्या बोल रहा है बोलो। सर लास्ट जब हमने अमोनिएटेड सॉल्यूशन में हमने बात की थी तो सर आपने मतलब एक पॉइंट लिखा है, तो सेकंड पॉइंट था वो कि जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है तो फिर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ना। तो फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट में आपने लिखा था एट हायर कंसंट्रेशन द कंडक्टिविटी स्टार्ट्स टू इंक्रीज, तो मतलब वो डिफरेंस कहां पर आता है बेसिकली वो पूछना था। एग्जैक्ट किस वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन पे आता है ये पूछ रहा है क्या? हां मतलब ऐसा कोई है क्या कुछ कंसंट्रेशन? आई थिंक अराउंड 0.05 मोलर कंसंट्रेशंस पे आता है मिनिमम। पोटेशियम के लिए, नॉट श्योर कि सबके लिए ऐसा ही आएगा। अच्छा, तो मत लिखो वैल्यू, मत लिखो, डोंट राइट अ वैल्यू बिकॉज की अलग अलग मेटल्स के लिए वैल्यू अलग अलग आ सकता है। ओके सर, समझा। और कोई कुछ बोल रहा है? मिथिल, ठीक है तो कंटिन्यू करते हैं। रुको एक मिनट, रुक जाना सर, आपका वीडियो नहीं चालू होएगा अभी, रुक जा। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, स्क्रीन शेयर करके पढ़ाऊंगा। We'll continue with general characteristics of compounds of alkali metals. Last lecture में हमने general characteristics of compounds of alkali metals में we discussed oxides and hydroxides and halides. Now we'll
third type of compounds we'll discuss salts of oxo acids. Salts of oxo acids we'll discuss about carbonates, nitrates and sulfates. Okay? Kuch properties discuss karte hain about these salts. Okay? Carbonates, bicarbonates, nitrates and sulfates. We'll first talk about carbonates and bicarbonates. ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज पॉइंट्स. प्रणति, यू हैव अ डाउट, बोलो प्रणति. ओके फाइन. टॉकिंग अबाउट कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स. ठीक है, लेट अस फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑन दीज कार्बोनेट्स. ये थोड़ा बहुत हमने जीआईसी में भी डिस्कस किया ये पॉइंट. ठीक है, अल्कली मेटल कार्बोनेट्स में ओनली Li2CO3 डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू गिव ऑक्साइड एंड CO2, वेयर एज अदर अल्कली मेटल कार्बोनेट्स डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट. एक सेकेंड. एक मिनट रुकना. Only Li2CO3 decomposes on heating to give the oxide and CO2. The other alkali metal carbonates do not decompose. If you are talking about carbonates, it is found that only lithium bicarbonate is found in the solids, is not found in the solid state. Lithium bicarbonate exists only in solution, whereas all other alkali metal bicarbonates can exist as solids. Okay? All bicarbonates decompose on heating, and bicarbonates decompose to give carbonate H2O and CO2. All bicarbonates decompose on heating to give carbonate H2O and CO2. Okay? I've also summarized the solubility orders. ये सारे points मैंने पहले भी discuss किए हैं, but एक बार summarize किया है यहाँ पे. ये solubility of carbonates, alkali metal carbonates, ठीक है, is explained by the Fajans rules. Smaller cation results in more covalent character, results in less solubility. The order is Li2CO3 less than Na2CO3 less than CS2CO3. An important exceptional point is the distribution of bicarbonate anions in sodium bicarbonate and potassium bicarbonate. काफी important point है. ठीक है, we'll study a process of preparation of Na2CO3, that is Solvay ammonia process. वहाँ पे this plays an important role. ठीक है, in sodium bicarbonate it is found that the bicarbonate ions exist in a polymeric structure where the different bicarbonate ions are interlinked or interconnected via hydrogen bonds. ठीक है, in which HCO3 minus ions interconnect to form a polymeric structure. Whereas in potassium bicarbonate, they form a dimer structure. In potassium bicarbonate, they form a dimer structure. ठीक है, potassium bicarbonate का structure देखो, next page में बताया मैंने. In potassium bicarbonate, bicarbonate ions exist in a dimer form. ठीक है, एक बार previous page वाला note कर लो. ठीक है, फिर हम आगे continue करेंगे. ये नोट कर लो. ठीक है, पेज टर्न करूं.
इन NaHCO3 द हाइड्रोजन ऑफ वन ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन्स एंड द ऑक्सीजन ऑफ अनदर बाइकार्बोनेट आयन्स आर इंटरकनेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, तो रीजन फॉर पॉलीमरिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कैन नॉट बी, देयर इज नॉट प्रॉपर टू आस्क दिस क्वेश्चन. पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर वेरी लो सॉल्युबिलिटी ऑफ NaHCO3 इज द पॉलीमरिक स्ट्रक्चर ऑफ NaHCO3. इट इज फाउंड दैट sodium bicarbonate is much less soluble than potassium bicarbonate. The extent of solubility, if we compare, sodium bicarbonate is significantly less soluble than potassium bicarbonate, and this is explained by a possible polymeric structure of bicarbonate ions in NaHCO3. And because of this polymeric structure, it is difficult to break or separate the ions and dissolve them. So NaHCO3 is found to be less soluble than potassium bicarbonate and significantly less soluble than potassium bicarbonate. ठीक है, टर्न करता हूं पेज में. पोटेशियम बाइकार्बोनेट इज मोर सॉल्युबल देन सोडियम बाइकार्बोनेट. द बाइकार्बोनेट आयन्स हैव अ डाइमर स्ट्रक्चर, सो इट इज इजियर टू ब्रेक द डाइमर than to break the polymer, so resulting in greater solubility. Okay. Now talking about nitrates. Dimer में दो ही molecule attached हैं, polymer में बहुत सारे molecules attached हैं. अच्छा अच्छा हाँ right. ठीक है. Polymer में बहुत सारे molecules attached हैं, तो बहुत सारे bonds break करने पड़ेंगे. अभी nitrates का heating effect अगर देखेंगे, तो लिथियम नाइट्रेट का हीटिंग इफेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर अल्कली मेटल नाइट्रेट्स हीटिंग इफेक्ट. जैसे लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, अदर अल्कली मेटल कार्बोनेट डू नॉट डिकम्पोज. तो इन विद रिस्पेक्ट टू हीटिंग इफेक्ट ऑन लिथियम कार्बोनेट लिथियम नाइट्रेट, लिथियम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर अल्कली मेटल्स एंड रिजेंबल्स मैग्नीशियम इन इट्स प्रॉपर्टीज. ठीक है, इट शोज डायगोनल रिलेशनशिप मैग्नीशियम. देयर आर मेनी रिएक्शंस मेनी प्रॉपर्टीज इन व्हिच lithium differs from other alkali metals and shows similarities with magnesium. So lithium nitrate decomposes to give Li2O, NO2 and O2. NO2 is a reddish brown colored gas and a paramagnetic gas, has an unpaired electron. Oxygen is also paramagnetic. Let us keep in mind that even oxygen is a paramagnetic gas. Whereas all other alkali metal nitrates, none of the other alkali metal nitrates give NO2 gas. Other alkali metal nitrates on heating, they initially give nitrite and oxygen at around 500 degrees Celsius. They give nitrite and oxygen, which further decomposes to give oxide and nitrogen gas instead of nitrogen dioxide. So NO2 gas is not obtained on decomposition of other alkali metal nitrates. Only lithium nitrate decomposes to give NO2. Clear hai ye? And in this reaction also, lithium resembles magnesium. Magnesium nitrate will also decompose to give MgO, NO2, NO2. That we'll discuss in reactions of alkaline earth metals. If sulfates ki study karenge, sulfates mein bhi heating effect similar hai. It is found that alkali metal sulfates are difficult to decompose. Only lithium sulfate decomposes to give Li2 and SO3. Other alkali metal sulfates are difficult to decompose. Okay. The SO3 formed on decomposition may also further decompose to give SO2 and O2. Okay. Clear hai ye? Note kar lo ye points. Thank you.
ठीक है, टर्न करो सर, एक मिनट। Now, one by one, we'll discuss important compounds, different important compounds of alkali metals. We'll first discuss sodium hydroxide. Okay. Preparation of sodium hydroxide can be done by electrolysis of aqueous solution of NaCl. Okay. Common name for the aqueous solution of NaCl is brine solution. So by electrolysis of brine solution, we can prepare NaOH. If we summarize the reactions during the electrolysis of NaCl at cathode, water is reduced to liberate hydrogen gas and forms hydroxide ions. At anode, chlorine is oxidized to give chlorine gas. If we add these two reactions, the net reaction becomes Cl minus aqueous, reacts with water to form Cl2H2 and OH minus. This is the net reaction. Na plus ions remain as it is, remain unchanged during the reaction. We can add Na plus in both reactants and products. The net reaction becomes NaCl aqueous plus H2O, giving half chlorine plus half hydrogen plus NaOH. So effectively, NaCl gets converted to NaOH. Okay? And hydrogen and chlorine are obtained as byproducts. Hydrogen and chlorine are obtained as byproducts of this reaction. But a drawback of this is, an important drawback is that NaOH and NaCl are both highly soluble in water. It is difficult to separate NaOH from NaCl. Therefore, we carry out electrolysis in some special apparatuses which helps us in separating the NaCl and NaOH. And one particular apparatus that is important is the Kastner-Kellner cell. It is an electrolytic cell which uses a mercury cathode and which helps in separating NaOH from NaCl. ठीक है, ये नोट कर लो, मैं नेक्स्ट पेज में कास्टनर केलनर सेल का वर्किंग एक्सप्लेन करूंगा। बोलिए हिमांशु, कोई डाउट है तो? ठीक है, टर्न करूं पेज सर, एक मिनट।
ठीक है, नेक्स्ट पेज पे टर्न करता हूँ अब. लेट्स प्रोसीड फर्दर. मैंने यहाँ पे देखो कास्टनर केलनर सेल का बेसिक कंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंट किया है. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कास्टनर केलनर सेल. एक कंटेनर है जिसमें एक एंड से हम ठीक है ब्राइन सॉल्यूशन एंटर करा रहे. ब्राइन सॉल्यूशन एंटर्स द सॉल्यूशन. एक सेकेंड रुकना, एक मिनट रुकना. From one end, we add brine solution inside the container. Okay, then the container has some graphite rods that are present from that are inserted from the top, which acts as anode. And in the bottom of the container, we have a flowing liquid mercury, which acts as the cathode. Mercury acts as cathode. Saket, कुछ बोल रहा है क्या? बोलो साकेत, यू हैव रेज योर हैंड. डोंट रेज योर हैंड्स अनलेस यू हैव अ क्वेरी. तो कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन एंटर्स इनसाइड द कंटेनर एंड स्पेंट ब्राइन सॉल्यूशन और डाइल्यूट ब्राइन सॉल्यूशन ठीक है कम्स आउट फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द कंटेनर. इट हैज अ ग्राफाइट एनोड एंड इट हैज अ मर्क्यूरी कैथोड. ठीक है, liquid mercury which flows inside the container and from the bottom of the container there is a separation so that the liquid the two liquids form two separate layers. Mercury liquid ka layer alag hai aur aqueous solution ka layer alag hai. theek hai, mercury being heavier is at the bottom. theek hai, so mercury acts as cathode and graphite acts as anode here. theek hai, electrochemistry mein over voltage ka concept padha hoga. theek hai, aur in mercury cathode there is over voltage in the reduction of water and due to which water is not reduced and Na plus is reduced. In presence of mercury Na plus is reduced and sodium dissolves in mercury forming sodium amalgam. Amalgams are alloys with mercury and the sodium amalgam comes out from one end of the container. This sodium amalgam when mixed with water results in formation of sodium hydroxide. So sodium hydroxide is not formed in the same solution as sodium chloride. Brine solution is separate. Brine solution mein mercury cathode ke presence mein Na plus ka reduction hoga. Sodium amalgam is separated from the container and the sodium amalgam when treated with water liberates hydrogen gas. Theek hai? The mercury obtained theek hai, can be reused in the Kastner-Kellner cell. This is the setup of Kastner-Kellner cell. Yes, hum likh sakte hain. This entire setup is this setup of Kastner-Kellner cell. एक मिनट रुकना, कुछ डिस्कनेक्ट हो रहा है. ठीक है, एक मिनट रुकना. ठीक है, अभी दिख रहा है ना. दिस इज द सेटअप ऑफ Kastner-Kellner cell. हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस आर ऑब्टेंड एज बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ NaOH फ्रॉम NaCl. ठीक है, क्लियर है ये. नोट कर लो जल्दी से.
अथर्व क्यों पूछ रहा है? नहीं, जस्ट एक जनरल क्वेरी थी। सोडियम सल्फेट यूज करेंगे तो क्या होएगा बताओ, क्या रिएक्शंस होंगे? इफ यू यूज सोडियम सल्फेट इंस्टेड ऑफ एनएसीएल, एनोड पे ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होगा, एनोड पे ऑक्सीजन बनेगा और सिमिलरली एनएचजी बनना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बट कोई भी सब्सटेंस प्रिपेयर करेंगे तो कैसा रॉ मटेरियल यूज करना चाहिए दैट इज रेडिली अवेलेबल। NaCl solution is readily available. नहीं, मतलब डाउट ये था कि ऑक्सीजन गैस ग्रेफाइट एनोड्स के साथ रिएक्ट कर सकता है क्या? तो कोई और एनोड यूज कर ले, ग्रेफाइट की जगह कोई और एनोड यूज कर ले। ऑक्सीजन में रिएक्ट विद कार्बन टू फॉर्म CO2, तो उसकी जगह कुछ और यूज कर लेंगे। ओके सर। चेंज करूं, टर्न करूं पेज? नहीं सर, 2 मिनट। ठीक, ये किसने बोला कि इस चैप्टर का TWT है संडे को? अगस्त 2nd अगस्त को, 2nd अगस्त कोऑर्डिनेशन का नहीं हुआ, कोऑर्डिनेशन का TWT नहीं हुआ, एस ब्लॉक का है, कोऑर्डिनेशन का कराता हूं मैं बात। एस ब्लॉक का है, TWT का कोऑर्डिनेशन का नहीं हुआ। ठीक है, 2nd अगस्त को। यस आयुषी, तू क्या बोली, संडे को होएगा? 2nd अगस्त तक तो हो जाएगा, काफी टाइम है अभी। ठीक, वी कंप्लीट विद एस ब्लॉक टिल 2nd अगस्त। सर डायग्राम में बोलो, डायग्राम में नीचे स्लोप है वो एनर्जी के लिए? हाँ स्लोप है, यस यस, इट्स अ फ्लोइंग मर्क्यूरी कैथोड, ताकि आसानी से एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो करे तो दूसरी एंड से मर्क्यूरी निकलेगा, अमलगम निकलेगा। इस चैप्टर में कैलकुलेशंस क्या होंगे? जो रिएक्शंस है, रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे, स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन, वॉल्यूमेट्री के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर से। हाइड्रोजन में क्या वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, कितना मोलारिटी ऑफ H2O2 यूज किया, कितना KMnO4 ऑक्सीडाइज हुआ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही बनेंगे इससे, जो वॉल्यूमेट्रिक और स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस होंगे। टर्न कर रहा हूं मैं अभी। प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH, नाउ विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH। NaOH इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड फील्स लाइक सोप टू टच। व्हेन वी टच सॉलिड NaOH, इट हैज अ सोपी टच, सॉफ्ट एंड वैक्सी अपीयरेंस। It is bitter in taste. All alkalis are bitter in taste and they have a corrosive action on skin. This is the property of all alkalis. The chemical properties of NaOH, most of the properties are its reactions as a strong base. It is a strong base. Its aqueous solution is strongly basic in nature. And most of the reactions of NaOH are its reactions as a strong base. It reacts with acids and acidic oxides to give salt and water. Acids and acidic oxides react with NaOH to give salt and water. Okay. H2SO4, so acetic acid is a reaction with acids. Next two reactions are reactions with acidic oxides. Okay. So NaOH gives similar reaction with acids as well as acidic oxides. Some acidic oxides are mixed anhydrides. Acidic oxides ko hum acid anhydrides bolte hain. Acidic oxides are anhydrides of a particular acid. जैसे SO3 इज द एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4, तो व्हेन SO3 रिएक्ट विद NaOH वी गेट अ सॉल्ट ऑफ H2SO4 दैट इज Na2SO4। तो व्हेनेवर NaOH रिएक्ट विद एसिडिक ऑक्साइड्स इट फॉर्म्स अ सॉल्ट एंड सॉल्ट इज फॉर्मड ऑफ द एसिड फॉर विच द ऑक्साइड इज द एनहाइड्राइड।
तो ऑल एसिडिक ऑक्साइड्स आर एसिड एनहाइड्राइड्स एंड जिस एसिड का एनहाइड्राइड है उसी एसिड का सॉल्ट फॉर्म होता है ऑन रिएक्शन विद NaOH. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सम एसिडिक ऑक्साइड्स आर मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स. ये पॉइंट शायद GIC में भी बताया था मैंने. सम एसिडिक ऑक्साइड्स आर मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स, दैट मींस ठीक है, दीज आर एनहाइड्राइड्स ऑफ टू और मोर एसिड्स. व्हेनेवर वी हैव मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स, मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स रिएक्ट विद NaOH टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स. अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स इज ऑब्टेन ठीक है बाय रिएक्शन ऑफ मिक्स्ड एनहाइड्राइड विद वाटर, मिक्स्ड एनहाइड्राइड विद NaOH. ठीक है, पहले इतना नोट कर लो, मैं नेक्स्ट पेज में मिक्स एनहाइड्राइड और NaOH के रिएक्शंस लिखा रहा हूं. सर बोलो. सर वो आपने जो एसिड एनहाइड्राइड के बारे में बताया वो एक और बार रिपीट कर सकते हो क्या? देखो एसिड एनहाइड्राइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स ठीक है एंड दे आर एनहाइड्राइड्स ऑफ अ पर्टिकुलर एसिड. जैसे SO3 इज द एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4. तो जो सॉल्ट SO3 का NaOH से बनेगा सेम सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय H2SO4 एंड NaOH. ऑल द एसिडिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद NaOH टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर. द सॉल्ट इज सेम एज द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द एसिड. जैसे Na2SO4 इज फॉर्म्ड बाय SO3 एज वेल एज H2SO4. हां समझा, थैंक यू. ठीक है, टर्न करो पेज. वन से ठीक है, अभी टर्न करता हूं. रिएक्शंस विद सम मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स, देखो रिएक्शंस विद सम मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स. NO2 एंड ClO2 आर एग्जांपल्स ऑफ सम मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स. ठीक है, NO2 रिएक्ट विद NaOH टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ NaNO2 एंड NaNO3.
ClO2 react with NaOH to form a mixture of NaClO2 and NaClO3. The mixed anhydrides react with NaOH to give a mixture of two different salts along with water. और वो मोल्स भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देना. हाँ, बैलेंस नहीं किया मैंने रिएक्शन को, रिएक्शन अकॉर्डिंगली बैलेंस कर लेना. दिस आर ऑल्सो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ध्यान से देखना इफ यू ऑब्जर्व, ठीक है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द क्लोरीन इंक्रीजेस एज वेल एज डिक्रीजेस. दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. यहाँ पे भी नाइट्रोजन प्लस 5 और प्लस 3 में प्रोडक्ट में है, रिएक्शन में नाइट्रोजन प्लस 4. ठीक है, सिमिलर टू रिएक्शन विद एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है, NaOH also react with amphoteric oxides to give salt and water. ये amphoteric oxides के reactions हैं, such as zinc oxide, ठीक है, even aluminium oxide, they react to give salt and water. ये amphoteric oxides के जो salts हैं, उनको हम दो अलग अलग ways में represent कर सकते हैं. जैसे sodium zincate can be written as Na2ZnO2 or Na2ZnO2.2H2O or sometimes also written as Na2ZnOH4. ठीक है, there is not much difference chemically, सब कुछ सेम है. Aqueous solution में Na2ZnO2 can also exist as Na2ZnOH4. Okay. Similarly, NaAlO2 can exist as NaAlOH4. Similar reactions we can write for other amphoteric metals or other amphoteric oxides also. Just suppose करो NaOH का रिएक्शन PbO के साथ लिखना है, तो सिमिलर टू ZnO वी कैन राइट इट एज Na2PbO2. लेड कैन फॉर्म टू डिफरेंट ऑक्साइड्स. लेड कैन फॉर्म PbO2 ऑल्सो. अनदर ऑक्साइड ऑफ लेड इज PbO2. तो उसके साथ भी देखो रिएक्शन. NaOH कैन रिएक्ट विथ PbO2 to form Na2PbO3. All the amphoteric oxides will also react with alkali, with sodium hydroxide to form salts. ठीक है, नोट कर लो ये reactions. Similar reactions SNO and SNO2 के साथ, all the amphoteric oxides will react with NaOH to form salt. Sir? Yes? Sir, you have cancelled NO3 in first equation. No, I have not cancelled. One second, rukna. Wo thoda sa, wo actually, upar iska hi aa gaya hai. Rukna, one second, rukna. Cancel nahi kiya hai. Wo overlay aa gaya hai uska. Isse ye hata sakta hu. ठीक है, क्लियर है ये?
टर्न करूं पेज. It's important to note that NaOH does not react with basic oxides such as calcium oxide, K2O, barium oxide, etc. Although some basic oxides do react with NaOH when fused with NaOH. Fused with NaOH matlab mixed with NaOH and heated to a very high temperature so that both the solids melt and then they react with each other. Okay. Some basic oxides such as Fe2O3 react with NaOH when fused with NaOH. So NaOH plus Fe2O3. Okay, it results in formation of sodium ferrate, Na2FeO4, in which iron is formed in +6 oxidation state. It is rare. Fuse ka matlab? Iron can fuse ka matlab? Mix karke, do solids ko mix karke, high temperature pe heat karo, taki dono melt ho jaye. Fuse karana matlab melt karana. Okay? To fuse matlab to melt together. To fuse two substances together, yani dono substances ko saath mein melt karayenge. It results in formation of sodium ferrate. But both high temperature pe some basic oxides may also react with NaOH. Okay. Clear hai ye? Then we'll discuss reactions with some non-metals and metals. Reaction of NaOH with some non-metals and metals. Every time we cannot predict which product will be formed. Okay. In many reactions, it is possible to predict the product's form, but not possible to predict the products. Okay. If it is a new reaction, totally unpredicted or a different from expected reaction. Jaise NaOH plus Fe2O3 ka product hum khud se predict nahi kar paayenge. Normally, it will not react. Only when they are fused, it forms Na2FeO4. तो ये याद करना पड़ेगा अपने. तो आपने सम बोला है, सम बेसिक ऑक्साइड्स. तो हमें कितना याद करना, मतलब सिर्फ Fe2O3. सम बेसिक ऑक्साइड्स मतलब एक ही Fe2O3 वाला याद रखो, और कुछ मत याद रखो. ठीक है, बाकी ऑक्साइड्स के लिए याद नहीं. बेसिक ऑक्साइड्स के साथ नो रिएक्शन. बेसिक ऑक्साइड्स प्लस NaOH नो रिएक्शन. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में सॉल्ट्स बनेंगे. तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होगा विदाउट एनी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन. तो लास्ट दो एग्जांपल्स अगर देखेंगे, लास्ट दो एग्जांपल्स अगर पूछना है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में प्रोडक्ट कैसे याद रखेंगे? प्रोडक्ट इज सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम जिंक केट, वेयर देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इन्वॉल्व. ठीक है, बस ऐसे ही वेरीफाई कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम रिमेन्स इन +3 in reactant as well as in products. Clear hai ye? Aage continue karte hain. Now we'll talk about reaction with metals and reaction with non-metals. Okay. Many non-metals such as chlorine, bromine, iodine, sulfur, phosphorus undergo disproportionate reactions. Bolo kya bol rahe hai? Alkali earth metals ka reaction, no? Alkali earth metals kya bol rahe hai? Ye NaOH ke reactions kar rahe hai na? Kya bol rahe hai? Okay. Theek hai, we were studying properties and properties of NaOH. Preparation of NaOH kiya, abhi uske properties kar rahe hai. Many non-metals give disproportionation reaction with NaOH. And we have discussed these reactions in volumetric chapter also. Halogens except for fluorine undergo disproportionation with cold and dilute NaOH as well as hot and concentrated NaOH. The products formed are different for dilute NaOH and concentrated NaOH. In cold and dilute NaOH,
halogen converts into -1 and +1 oxidation state. In hot and concentrated energy, it goes to -1 and +5 oxidation state. Sodium hypohalide and sodium halide are formed in cold and dilute NaOH, whereas sodium halate and halide are formed in hot and concentrated NaOH. These are called as इसको हैलेट बोलते हैं, क्लोरेट, ब्रोमेट और आयोडेट. दिस इज हैलाइड एंड दिस इज हाइपोहैलाइड. ये नेमिंग भी पहले कराया है मैंने जीआईसी. दिस आर नॉट आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री. ठीक है, दिस इज नॉट आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री. Iodometry, iodometry involves titrations of iodine. और पे NaOH कहाँ use करते हैं हम? वरद. We do not use NaOH there. ठीक है, note कर लो जल्दी से. सर ये सब रिएक्शन के मैकेनिज्म हमें नहीं सीखनी है. क्या बोल रहा है, नहीं समझा? ये सब रिएक्शंस की मैकेनिज्म नहीं सीखनी है हमें. नहीं नहीं, ऐसे हर रेडॉक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत डिफिकल्ट एक्सप्लेन. अनलेस इट इज अ रेडॉक्स, मतलब नॉन रेडॉक्स है तो हम उसको हाइड्रोलिसिस की तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं. एक मैकेनिज्म आ जाएगा, जैसे हमने ऑर्गेनिक में किया है वैसे मैकेनिज्म कर सकते हैं. बट इफ इट इज अ रेडॉक्स देन मैकेनिज्म बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड और नहीं करना है. ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं. डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ सल्फर एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ फॉस्फोरस. सल्फर अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन to form sodium sulfide and sodium thiosulfate Na2S2O3, okay, in which sulfur goes from 0 to -2 and +2. Phosphorus undergoes disproportionation to form phosphine and sodium hypophosphite. तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि व्हाई फ्लोरीन डज नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन. व्हाई फ्लोरीन डज नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन? बिकॉज़ फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड फ्लोरीन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड. फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड. देयरफॉर फ्लोरीन डज नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. तो फ्लोरीन के रिएक्शंस थोड़े से डिफरेंट हैं. फ्लोरीन रिएक्ट्स स्लाइटली डिफरेंटली. फ्लोरीन रिएक्ट्स विद कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH to liberate OF2, oxygen difluoride gas, whereas it reacts with hot and concentrated NaOH to liberate oxygen gas. Okay? It rather causes oxidation of oxygen because it itself cannot be oxidized. Fluorine is more electronegative than oxygen.
ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर फेवरेबल देन ऑक्सीडेशन ऑफ फ्लोरीन. ठीक है, रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन विद NaOH इज डिफरेंट फ्रॉम रिएक्शन ऑफ अदर हैलोजन्स. Although most of the non-metals or many non-metals undergo disproportionation, there are some non-metals which do not undergo disproportionation. एक example है fluorine का, ठीक है? Some other non-metals liberate hydrogen gas. Examples are boron and silicon. Boron and silicon, they liberate hydrogen gas with NaOH, and even amphoteric metals also liberate hydrogen gas with NaOH. The reaction देखो, boron plus NaOH gives सोडियम बोरेट प्लस हाइड्रोजन गैस. बोरोन इज अ रिलेटिवली इनर्ट सब्सटेंस, तो बोरोन के साथ NaOH का रिएक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है. ओनली इन द पाउडर्ड फॉर्म एंड व्हेन बोरोन इज फ्यूज्ड विद NaOH, फ्यूज मतलब बोरोन और NaOH को मिक्स करके हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करा दो, देन दिस रिएक्शन अकर्स. इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बोरेट अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस. सिलिकॉन रादर रिएक्ट्स फास्टर देन बोरोन, तो सिलिकॉन में फ्यूज कराने की जरूरत नहीं है. Elemental silicon can react with NaOH, okay, and it also liberates hydrogen gas. Both boron and silicon react with NaOH to liberate hydrogen gas along with formation of borates and silicates respectively. A similar reaction is also given by amphoteric metals. Okay. Reaction similar to boron and silicon is also given by amphoteric metals, which also liberate hydrogen gas when reacted with NaOH. Okay. Note kar lo jaldi se. नेक्स्ट पेज में विल डिस्कस द रिएक्शन ऑफ एम्फोटेरिक मेटल्स एंड NaOH. टर्न करूं
ठीक है, टर्न करता हूँ अभी. एल्यूमिनियम प्लस NaOH, एल्यूमिनियम जिंक लेड टिन, ठीक है, दे आर एम्फोटेरिक, दे रिएक्ट विद NaOH टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस. रिएक्शन है एल्यूमिनियम प्लस NaOH, गिव सोडियम एल्यूमिनेट, जिंक विल गिव सोडियम जिंकेट. दीज प्रोडक्ट आर सिमिलर टू दैट फॉर्म विथ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड विथ NaOH ऑल्सो गिव सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, बट वहां पे H2O बन रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रहा है. तो एम्फोटेरिक मेटल्स रिएक्ट विथ NaOH to liberate hydrogen gas along with sodium aluminate, sodium zincate. Lead and tin will also give similar reactions. Okay. Other metals will not react with NaOH. Metals generally do not react. Sodium hydroxide also reacts with many metal ions in aqueous solution. Sodium hydroxide also reacts with many salts. Salts when dissolved in water, the metal ions tend to form hydroxide precipitates with NaOH, and formation of hydroxide precipitates is used in the detection of metal ions. Ye salt analysis mein NaOH ke applications ka part hai. NaOH is used for detection of many metal ions, theek hai, by forming hydroxide precipitates of characteristic colors. So it gives hydroxides precipitate with many metal ions, which helps in the detection of metal ions. Some important reactions are, ye baaki sare reactions करेंगे हम सॉल्ट एनालिसिस में. कुछ रिएक्शंस यहाँ पर डिस्कस किए मैंने. क्रोमियम रिएक्ट विद NaOH, क्रोमियम आयंस, क्रोमियम सॉल्ट्स रिएक्ट विद NaOH टू गिव अ ग्रीन प्रेसिपिटेट ऑफ CrOH पोलराइज. फेरस सॉल्ट्स विल आल्सो गिव अ ग्रीन प्रेसिपिटेट, अ डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड. फेरिक सॉल्ट्स गिव रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट. एल्यूमिनियम सॉल्ट्स गिव अ जेल लाइक प्रेसिपिटेट, जेलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट. एंड इट इज फाउंड दैट दीज हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट्स, some of these hydroxide precipitates are soluble in excess NaOH, and the hydroxides which are amphoteric, the amphoteric hydroxides, the hydroxides of amphoteric metals dissolve in excess NaOH forming complexes. So in examples mein chromium or aluminium are amphoteric hydroxides which dissolve in excess NaOH forming complexes. Okay. So many metal ions form insoluble hydroxides, form precipitate with NaOH, and some hydroxides dissolve in excess NaOH. Which hydroxides will dissolve in excess NaOH? The hydroxides of amphoteric metals will dissolve in excess NaOH. ठीक है? Note कर लो ये.
ठीक है, हो गया। टर्न करूं पेज। ठीक है, although hydroxide precipitates are most common, for some metal ions the hydroxides are not very stable and the hydroxide form decomposes to give oxide precipitates. Two common examples are mercury and silver. Okay, mercuric salts and silver salts, their solutions, when we add NaOH to their solutions, they form oxide precipitates. Mercury gives a yellowish brown precipitate of HgO, whereas Ag plus salts give a black precipitate of Ag2O. Take it on reaction with NaOH, they first form hydroxides, but their hydroxide decompose to give corresponding oxides. Some metal ions give precipitate of oxides instead of hydroxides. Okay. Ammonium salts give ammonia gas with NaOH. It is also an important test of ammonium ions. Okay. Ammonium salts mein agar NaOH dal ke heat karenge, it results in evolution of ammonia gas. Ammonia gas can be detected by its characteristic smell, which is often also called as the ammoniacal smell. Ammonia gas ko detect karne ke aur bhi bahut sare methods hain. One of the methods of detection of ammonia is by using concentrated HCl. A glass rod dipped in concentrated HCl, when it is brought in contact with ammonia gas, it produces white fumes of NH4Cl. The formation of dense white fumes indicates the presence of ammonia. So these are some reactions of NaOH. Kuch uses summarize kiye humne. NaOH ke uses, NaOH may be used in detection of cation salt analysis mein use karte hain. Other uses are, is used in manufacture of soaps and detergents. It is used in textile industries, purification of bauxite. Purification of bauxite wala use hum metallurgy mein study karenge. And it is also used in petroleum refining. Actually, alkalis can be used for all these purposes. Jitne bhi reactions maine NaOH ke likha hai na, all those reactions will be shown by any alkali. Alkali is a solution of hydroxide ion. Any substance which dissolves to give solution of hydroxide ions are called alkali. All reactions of NaOH will also be given by KOH or barium hydroxide or strontium hydroxide. Okay. All alkalis can be used, okay, and they will have similar applications as NaOH. Okay. Note kar lo ye jaldi se. Uses of NaOH एक बार NCERT से पढ़ लेना. Uses वाला पार्ट में ज्यादा डिटेल्स में कवर नहीं करूंगा. Uses वाला पार्ट एक बार NCERT से कवर कर लेना. So, uses पे questions आते हैं क्या? बहुत रेयर यूजेस ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, बट इट मे बी पार्ट ऑफ अ लॉन्गर क्वेश्चन. इसमें चेक करना है कि कौन सा सब्सटेंस ऐसा लिखा रहेगा कि इन द रिएक्शन सब्सटेंस एक्स इज फॉर्म व्हिच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट. तो वैसे मतलब ऐसे क्वेश्चन में कहीं कहीं यूज आएगा.
टर्न करूं क्या पेज? नहीं सर, एक मिनट। This completes the study of NaOH. Now we'll study the preparation and properties of Na2CO3. I will study the preparation and properties of Na2CO3. Okay, Na2CO3, also commonly known as washing soda, the decahydrate form of Na2CO3 is called washing soda. Okay, the preparation method, we'll study two different preparation techniques. Okay, the first method is preparation using the Solvay ammonia process. Okay. The Solvay ammonia process uses ammonia and CO2 gas, okay, in which water is first saturated with ammonia and CO2 gas, ammonia and carbon dioxide gas, to produce ammonium bicarbonate. The ammonium bicarbonate solution is then treated with saturated brine solution. Saturated brine solution is a saturated solution of NaCl. It produces sodium bicarbonate along with ammonium chloride. The sodium bicarbonate forms a precipitate in this case. Normally, sodium bicarbonate is soluble, but in presence of saturated brine solution at high concentrations of Na plus ions, common ion effect will be applicable, which decreases the solubility of NaHCO3 and makes it a precipitate. When, common ion effect याद है? हाँ हाँ. Common ion effect में क्या होता है कि जैसे AgCl का solubility अगर देखेंगे तो AgCl becomes less soluble in presence of NaCl. अगर एक कॉमन आयन प्रेजेंट है तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी. सिमिलरली सोडियम बाइकार्बोनेट की सॉलिबिलिटी Na प्लस आयन्स के हाई कॉन्सेंट्रेशन में कम हो जाएगी. तो अगर सैचुरेटेड NaCl यूज करेंगे तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस इंश्योर्स द डिक्रीज इन सॉलिबिलिटी ऑफ NaHCO3 एंड इट इंश्योर्स प्रेसिपिटेशन ऑफ NaHCO3. ठीक है. वंस प्रेसिपिटेट ऑफ NaHCO3 इज ऑब्टेन, इट इज डिकम्पोज्ड by strong heating to get Na2CO3. ठीक है, नोट कर लो ये रिएक्शंस और ये स्टेप्स. ये कुछ और पॉइंट्स एक्सप्लेन करता हूं मैं इस रिएक्शन से, इस प्रोसेस से रिलेटेड. पहले जल्दी से नोट कर लो.
तो सर हम जानबूझ के उसे हाई एनए प्लस कॉन्सेंट्रेशन में रखते ताकि वो पीपीटी होए। यस यस यस। अगर वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा तो सेपरेट नहीं होगा, फिर उसको डिकम्पोज करा के Na2CO3 बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट स्टेप। इससे जनरली एक क्वेश्चन आता है कि सोडियम कार्बोनेट कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग द सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस बट पोटेशियम कार्बोनेट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है कि पोटेशियम bicarbonate is very soluble, it is not possible to precipitate KHCO3 even in a saturated KCl solution. So, agar KHCO3 ka precipitate banega nahi to separate nahi ho payega, fir usko decompose kara ke Na2CO3 nahi bana payenge, ye main next page mein likhata hu. Theek hai, but solve ammonia process se hum Na2CO3 bana sakte but we cannot prepare K2CO3. Theek hai, ye next page pe discuss karta hu. Isse pehle ek aur important point dekho, फर्स्ट रिएक्शन में CO2 यूज हो रहा है, ये CO2 हमें कहां से मिलता है? दिस CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन इज वन ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल्स ऑफ सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, लाइमस्टोन ऑन हीटिंग गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 एंड दिस CO2 प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड इन द फर्स्ट रिएक्शन। सम अमाउंट ऑफ अमोनिया इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन बट ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनिया इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन बिकॉज वी विल स्टडी दैट फ्रॉम अ रिएक्शन ammonia is regenerated, so this regenerated ammonia will be used again and again. Okay, so sir kyun carbon dioxide wala yahi wala carbon dioxide kyun use karte hain hum solve ammonia? Nahi nahi, carbon dioxide chahiye na is reaction ke liye, first reaction karane ke liye carbon jata hai, carbon dioxide chahiye to hum limestone generally raw material ki tarah use karte hain which provides that carbon dioxide for the first reaction. Limestone hi kyun use kar rahe hain? Dekho isme calcium oxide will result in another important reaction jo next page mein explain karta hu. जो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से फिर देखना एक मिनट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देन रिएक्ट विद अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड वाज फॉर्म्ड इन द सेकेंड रिएक्शन। एक बार सेकेंड रिएक्शन देखो, सेकेंड रिएक्शन में अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा था। एक सेकेंड, जस्ट लेट अस हैव अ सेकेंड रिएक्शन। देखो ये सेकेंड रिएक्शन में NH4Cl फॉर्म हो रहा है, NH4HCO3 plus NaCl. ये जो अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड रीजेनरेट्स अमोनिया। अमोनिया बस थोड़ा सा चाहिए स्टार्ट में, ठीक है, प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए। वंस द प्रोसेस इज इनिशिएटेड, अमोनिया इज रिकवर्ड अगेन एंड विल बी रीयूज्ड इन द फर्स्ट स्टेप। जितना अमोनिया कंज्यूम होगा उतना ही एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ अमोनिया विल बी रीजेनरेटेड बाई यूजिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो नेट नेट देखेंगे ना तो दो ही रॉ मटेरियल्स कंज्यूम हो रहे हैं, एक तो रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है ब्राइन सॉल्यूशन और एक और रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज लाइमस्टोन। तो दीज टू रॉ मटेरियल्स आर गेटिंग कंज्यूम नेट नेट एंड द प्रोडक्ट्स फॉर्मड आर Na2CO3 एंड CaCl2। CaCl2 कैन बी कंसिडर्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ द सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वी कैनॉट डिरेक्टली मिक्स दीज टू एंड फॉर्म कैल्शियम फॉर्म Na2CO3। Calcium carbonate and NaCl on direct mixing will not give any reaction because calcium carbonate is insoluble and NaCl remains in solution. So calcium carbonate and NaCl do not directly react. So therefore, we have to carry out reaction in an indirect way so that calcium carbonate and NaCl are consumed to produce Na2CO3. Direct mixing से reverse reaction होता है। अगर calcium chloride और Na2CO3 का solution mix करोगे, it will result in precipitation of calcium carbonate. ठीक है? क्लियर है ये? तो वी से दैट द सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस इज अ वेरी एफिशिएंट प्रोसेस। द सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस reuses the byproducts clear hai ye? CO2 is reused, ammonia is reused, so it's a very efficient process. The only byproduct obtained is calcium chloride.
एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जनरली इससे आता है कि वाई K2CO3 cannot be prepared using the Solvay ammonia process. Why K2CO3 cannot be prepared using Solvay ammonia process? And the reason for this is, yeah, the Solvay ammonia process involves formation of bicarbonate first and then carbonate. Okay. We specify the reason as KHCO3 is much more soluble than NHCO3. And hence cannot be precipitated. From NH4HCO3. The Solvay ammonia process involves separation of bicarbonate from ammonium bicarbonate using a chloride solution. So, ये जो reaction है NH4HCO3 plus KCl giving KHCO3. एक second. Plus NH4Cl. This reaction does not occur. Why does not occur? Because of very high solubility of because of higher solubility of KHCO3. We'll say that this reaction does not occur. Okay, hence we cannot prepare K2CO3 using Solvay ammonia process. ठीक है, क्लियर है ये? नोट कर लो जल्दी से. नोट कर लिया सबने? एक मिनट रुकना, जस्ट अ मिनट. द एक्सप्लेनेशन इज, देखो सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम बाइकार्बोनेट इन द फर्स्ट स्टेप एंड देन रिएक्शन विद सोडियम क्लोराइड व्हिच कॉजेस अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेट्स NaHCO3. ठीक है,
to prepare potassium carbonate, we'll use KCl instead of NaCl. Use of KCl, and if it can precipitate KHCO3, then KHCO3 can be separated and KHCO3 can be heated to get K2CO3. But the problem is KHCO3 is very, very soluble in water. It's much more soluble. As it is much more soluble, it cannot be separated as a precipitate. And once it cannot be separated, the method becomes not very, the method is not very useful for preparation of K2CO3. Because of inability of KHCO3 to separate as a precipitate. Samjha, Harushi? एक मिनट रुकना किसी का वीडियो चालू है एक मिनट रुक जा तनिश योर वीडियो इज ऑन ही स्लीपिंग लॉल एक और मेथड करते हैं Na2CO3 प्रिपरेशन का एक और मेथड करते हैं अनदर मेथड टू प्रिपेयर Na2CO3 इज Leblanc's process. In the Leblanc's process, we prepare Na2CO3 by using H2SO4 and HCl. इसमें देखो reactions देखो. Starting material here is also sodium chloride. It is heated with hot and concentrated H2SO4. It is heated with concentrated H2SO4. It results in a displacement reaction in which it first results in formation of NaHSO4 along with evolution of HCl gas. Okay. NaHSO4 sorry. Some of NaCl present further reacts with this NaHSO4, resulting in formation of Na2SO4 and further evolution of HCl. Net reaction we can write. The net reaction is 2NaCl reacts with H2SO4 to give Na2SO4 and 2HCl. To NaCl react with H2SO4 to give Na2SO4 and 2HCl. HCl being gaseous separates from the reaction mixture easily. What is left? Na2SO4 is left. Then Na2SO4 is mixed with carbon along with calcium carbonate and is heated strongly. Carbon acts as a reducing agent. We use coal or coke. It is a form of carbon.
abundantly present, often used as a raw material in many metallurgical operations. It is also used as a raw material in the Leblanc's process. This process is carried out in a furnace. On heating with carbon and calcium carbonate limestone, it results in a displacement reaction along with reduction. It forms reaction bataya tha main, it forms Na2S, sorry, it forms Na2CO3 along with calcium sulfide and evolution of carbon monoxide gas. These are the reactions that occur. The mixture of Na2CO3 and calcium sulfide obtained is often called as black ash. Okay. We can divide this reaction in two steps. One step is a displacement reaction. Ek minute rukna. We can divide this reaction into two steps. One step is a displacement reaction, Na2SO4 plus. अभी कंसो पर देख खड़ा होके करो. 2 मिनट बाद खड़ी होके करना अभी बैठो. Please mute. Don't unmute unless you want to speak something. Na2SO4 plus CaCO3. The displacement reaction can be written as formation of Na2CO3 and CaSO4. And CaSO4 is reduced by carbon to give calcium sulfide and carbon monoxide. We can divide the net reaction into two parts, a displacement reaction and a reduction reaction. Okay. From black ash, calcium sulfide and sodium carbonate mixture. Sodium carbonate is much more soluble than calcium sulfide. We can separate sodium carbonate by extracting with water. From the mixture of Na2CO3 and calcium sulfide, okay, we can extract Na2CO3 by water. Na2CO3 can be extracted with water as it is much more soluble than calcium sulfide. Clear hai ye? Leblanc's process? आपने लिखा है Na2CO3 can be extracted with as it is much water more with water extracted with water as it is much more soluble than calcium sulfide. क्लियर है ये? हाँ सर. ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में विल कंप्लीट, विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ Na2CO3 और दो तीन कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस अल्कली मेटल से करेंगे. देन विल स्टार्ट विद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक है, 2 to 3 लेक्चर्स और लगने चाहिए. विल कंप्लीट विद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक है, डेलिकेट टॉपिक्स कवर अप नहीं है, उनका क्या करना है हमें? क्या बोल रहे हो? बैच 6-7 के पहले के टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हुए अभी तक, उसका क्या करना है हमें? भाई ये मेरे से मत डिस्कस करो, प्लीज टॉक टू योर रेस्पेक्टिव सेंटर मैनेजर. वो लोग कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करते. वो लोग वॉल्यूमेट्रिक सेंटर मैनेजर से बात करो, बोल दो तुम लोग से सभी एक साथ डिस्कस करो, पेरेंट्स को बात करने को बोलो. अभी मैं क्या करूं बताओ, मेरे लेक्चर शेड्यूल होंगे तो मैं ले लूंगा लेक्चर. अभी फ्री टाइम है फैकल्टीज के पास, नॉट ओनली मी अदर फैकल्टीज आर आल्सो, तो जस्ट रिक्वेस्ट करो शेड्यूल करने के लिए, लेक्चर हो जाएगा. नहीं आएगा
हमारा वॉल्यूमेट्रिक बाकी है। मैं बोल दूंगा, मैं भी अपनी तरफ से बोल दूंगा। गौतम सर से बात करो, गौतम सर का तो नंबर है ना तुम लोगों के पास? ठीक है, क्यों बाकी सारे बैचेस में तो हो गया ये, केवल तुम लोग का पेंडिंग है। मतलब आई थिंक कुछ ना कुछ तो इशू रहा होगा, कभी शेड्यूल किया होगा तुम लोगों ने, अटेंड नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ तो इशू नहीं सर, वो MT3 के पहले का टॉपिक है वॉल्यूमेट्रिक। हमारा वॉल्यूमेट्रिक हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत लोग बोल रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक नहीं हुआ, बहुत लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं हुआ, दोनों नहीं हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बाकी है, वॉल्यूमेट्रिक का जस्ट स्टार्टिंग। क्या बोल रहा हूं, देख देख देख, फैकल्टीज के पास टाइम है, ठीक है, कुछ टर्न मतलब टाइम टेबल में लग सकता है। सर एक्चुअली हम लोग को वॉल्यूमेट्रिक हमारे पेस के ऑनगोइंग लेक्चर्स में हो रहे थे, एंड देन लॉकडाउन स्टार्टेड, तो वॉल्यूमेट्रिक तभी रुक गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग ने लाइक वीडियो लेक्चर भेजे थे और जूम लेक्चर शेड्यूल हो ही नहीं रहते, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिर मैंने तो खुद से कर लिया लाइक वीडियो लेक्चर देख देख के, पर फिर भी डाउट पेंडिंग थे तो वो रह गए, पर वॉल्यूमेट्रिक तो चैप्टर आधा बाकी है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात, ठीक है, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम लोग तीन चार लोग मिलके रिक्वेस्ट करो ना, शेड्यूल हो जाएगा। गौतम सर को रिक्वेस्ट करो, इग्नोर कर, बहुत बड़ी बात नहीं है, वो लोग इग्नोर कर देते, वो लोग देखते ही नहीं, ऐसे थोड़ी होता है यार। बाकी सब सेंटर्स पे तो हो गया, बस तुम लोग के, तुम लोग की क्यों प्रॉब्लम हो रही है, बाकी हर जगह हो गया आई थिंक सो। ऐसे शेड्यूल हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं भी डिस्कस कर लेता हूँ गौतम सर को बोल के, एक शेड्यूल करा दूंगा, ठीक है। बट this is something that should be done from your centers, respective centers, ठीक है। अभी क्या है, हमारे और कहाँ lectures लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, accordingly अगर तुम्हारा schedule होएगा तो किसी और का free हो जाएगा, कोई कोई और lecture की जगह तुम्हारे lecture लगेगा, नहीं तो doubt lectures लग रहे हैं, faculties के lectures तो लग ही रहे हैं तुम लोग के, doubt lectures हर week, doubt lecture तो लग ही रहा है तुम्हारा। हाँ बता, ये week chemistry में किसी किसके doubt lectures लग रहे हैं, ये week आपका और AMCH sir का भी है doubt lecture? एक सेकंड, मेरा कब है? संडे, नहीं 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 आपका सर का ही है सर, नहीं एडीजेड सर का भी है, 6 to 8 है मेरा संडे को डाउट, ओएपीजीसी 6-7 का, ठीक है उस दिन कर लेंगे थोड़ा सा, उस दिन कर लेंगे थोड़ा सा ओएपीजीसी 6-7 का डाउट, पर कोऑर्डिनेशन के भी डाउट्स है थोड़े। अरे कोऑर्डिनेशन के डाउट ऐसे क्या बोलूं मैं, सब कुछ कैसे हो पाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वॉल्यूमेट्रिक के लेक्चर चाहिए, मैं वापस बोल दूंगा, ठीक है, और शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है, चलो चलो, थैंक यू एवरीवन, और टेस्ट करके आना, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो वॉल्यूमेट्रिक थाने का भी पेंडिंग है, ठीक है, करते हैं, लेट्स डिस्कस दिस, मैं एक बार गौतम सर से डिस्कस कर लेता हूं, कभी शेड्यूल हो सकता है। होमवर्क एस ब्लॉक से सॉल्व कर सकते हैं, एस ब्लॉक का, रुको मैं असाइनमेंट शेयर करता हूं एस ब्लॉक का, ठीक है, उससे सॉल्व करना है, आई विल शेयर असाइनमेंट, चलो, थैंक यू एवरीवन, आई विल शेयर होमवर्क ऑन द ग्रुप।